पापा एक ऐसा शब्द है जिसको आप सबसे पहले बोलते हो, माँ के बाद जिसकी उंगली पकड़ के आप चलना चालू करते हो। पापा आपको आपकी पहली साइकिल चलाना सिखाते हैं, और कहे तो आपको गाड़ी भी, हर वक्त जब स्कूल में पापा ही जाते थे, चाहे वो स्कूल में लड़ाई हो या टीचर की डांट या फिर होमवर्क ना किया हो, हर बार एक ही बात सुनने को मिलती थी कि कल अपने पापा को लेकर आना। जब मार्क्स अच्छे आते थे तो पापा के पास झट से दौड़ के जाते थे कि पापा रिपोर्ट कार्ड, और जब मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तब माँ को आगे कर देते थे कि पापा के सिग्नेचर करवा दो ना। उस वक्त पापा की डांट से जो बचना होता था क्या दिन थे वो, जब वक्त बदला, हालात बदले, स्कूल किया, कॉलेज किया, तब तक पापा का साथ था। उसके बाद जब अपना शहर छोड़, उस वक्त पापा का साथ छूट गया, सिर्फ फोन पे रह गया, हर वक्त किसी भी बात पे पापा को कॉल लगा देता था कि पापा ये करूं कि ये, और वो एडवाइस मुझको हमेशा मिलती थी। मेरी पहली कार पापा ने पसंद की, और जब भी मैं मुसीबत में पड़ता था हर वक्त पापा को कॉल लगा देता था कि ये हो गया, क्या करूं अब। लेकिन अब मेरे फोन पे वो पापा का नेम फ्लैश नहीं होता। मैं अपनी परेशानियां लेकर किसको कॉल लगाऊं, वो हक मैं किसके ऊपर जताऊं, वो आवाज मैं दोबारा सुन नहीं सकता, ना ही कह सकता कि पापा आई लव यू, मिस यू पापा। दोस्तों आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से बस ये कहना चाहता हूं कि माँ बाप को दुख मत दो, वो आपका भला ही चाहते हैं हमेशा। पापा ना हमेशा खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन तुम्हारा पेट भरेंगे। इज्जत करो, उनको प्यार दो। पता नहीं कब आखिरी वक्त हो और तुम बोल ना पाओ क्या लव यू।